लगातार ही चर्चा का विषय बने हुए हैं समीर वानखेड़े नाम के वो जोनल डायरेक्टर जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मुंबई में लीड कर रहे हैं महाराष्ट्र और गोवा को ड्रग फ्री बनाने के लिए। जी हां, पूरी तरह से कोशिशें जारी है, लेकिन समीर वानखेड़े की इस कोशिश में बार बार अड़चने भी आती है बड़ी। बॉलीवुड का जब तक लिंकअप जुड़ा है ड्रग से, तब तक मुसीबतें बड़ी रहेगी, क्योंकि मीडिया के बीच घिरी रहेगी ये तरह की, इस तरह की जितने भी खबरें हैं आर्यन खान को लेकर ही नहीं। अभी तक आपने देखा कि पिछले वर्ष सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद ड्रग कनेक्शन जब इसका सामने आया, तो रिया चक्रवर्ती के जेल जाने, शौविक चक्रवर्ती के जेल जाने के बाद रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान जैसी अभिनेत्रियों को भी इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया। अब स्टार किड आर्यन अभी बॉलीवुड में आए नहीं हैं, उनसे उसके पहले ही उन्हें लेकर ड्रग मामले से उनका नाम जुड़ जाना उनकी इमेज पर गलत असर डालता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आर्यन खान की इमेज को क्या वाकई में गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है? अब समीर वानखेड़े और फंस गए हैं जब केपी गोसावी के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें कई राज से पर्दे उठाते हैं, जरा देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एनसीबी की वो तस्वीरें, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की वो तस्वीरें जिस पर तमाम तरह की बातें हो रही है। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन वायरल होने वाली तस्वीरों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि समीर वानखेड़े ने केपी गोसावी के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन को इनकार कर दिया कहने से कि हाँ ये सच। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है इसकी वजह से समीर वानखेड़े फंस गए हैं। आर्यन खान को बेल दिलाने में ये तस्वीरें मदद दिला सकती है ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें जिसमें केपी गोसावी और समीर वानखेड़े नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ इल्जाम कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने 26 करोड़ रुपए का डील रखा था आर्यन को बेल दिलाने के लिए। क्रूज शिप में रेड के दौरान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो इसमें केपी गोसावी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपना काम किया है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे, समीर वानखेड़े के साथ केपी और इस तरह से जो दिखाई दिए हैं डिसूजा, इसकी वजह से समीर बुरी तरह से फंस गए हैं। जी हां, समीर वानखेड़े के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। स्टेटमेंट सामने आया है कि नए ऑफिसर को आर्यन खान ड्रग मामले के लिए चुना जा रहा है, और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बन गए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है ये देखकर। अब ये तस्वीरें कई राज खोल रही है ड्रग मामले में। आर्यन खान से ज़्यादा अब केपी गोसावी और समीर वानखेड़े इल्ज़ामों का ये सिलसिला जो लगातार उन पर है वो झेल रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें इस पर ज़रूर बताएं। तो आपने देखा ये तस्वीरें समीर वानखेड़े और केपी गोसावी की, वो केपी गोसावी जिसके साथ समीर वानखेड़े जो है साथ नजर आए हैं। अब समीर ने कहा कि वो केपी के साथ कोई संपर्क नहीं रखते, लेकिन सच तो यही है कि केपी ने ही आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें ड्रग वाले मामले से सबसे ज्यादा जो है उनके करीब वो नजर आए। केपी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए को लेकर बात की थी शाहरुख की मैनेजर से, लेकिन केपी ने उन सभी बातों को गलत भी बताया। ये बात अलग है कि प्रभाकर सेन ने ही केपी और समीर को लेकर कई खुलासे किए, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारे करती है कि इन दोनों के बीच अच्छी खासी मुलाकात रही है और दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से तालमेल रखते हैं। अब ऐसे में केपी और समीर को सही मानेंगी आप या भी आर्यन खान को? क्योंकि आर्यन खान के लिए राहत की खबर हो सकती है ये तस्वीरें अगर कई रात से पर्दा उठाती है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहें बॉलीवुड की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।